सुहागिन महिलाओं के लिए हरितालिका तीज का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि देवी पार्वती ने इस व्रत की शुरुआत की थी। हरितालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं जहां अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं, तो वहीं कुंवारी लड़कियां मन चाहे पति की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। सभी व्रतों में हरितालिका तीज को सबसे कठिन माना गया है। इस व्रत को करते समय कई सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार महिलाएं जाने अनजाने में कुछ भूल कर बैठती हैं, जिससे उनका व्रत सफल नहीं होता। आइए आपको बताते हैं कि इस व्रत में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्रोध पर रखें संयम। तीज के व्रत करने वाली महिलाओं को इस खास दिन पर क्रोध और रोष से दूर रहना चाहिए। कितना भी मन में क्रोध आ रहा हो, लेकिन खुद पर संयम रखकर ही आप अपने व्रत को सफल बना सकती हैं। इसलिए हरितालिका तीज के दिन खुद पर पूरी तरह से संयम रखें। नींद है वर्जित। हरितालिका तीज के व्रत को इसलिए भी कठिन माना जाता है कि क्योंकि इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला और निराहार व्रत करने के बाद शाम को पूजा करती हैं। उसके साथ ही इस दिन व्रती महिलाओं को सोना भी नहीं होता है, बल्कि भगवान के भजन और पूजन में ही पूरी रात बितानी होती है और भोर में व्रत का पारण करना चाहिए। ना बोलें अपशब्द। क्रोध पर संयम रखने के लिए इसलिए कहा जाता है कि किसी भी तरह के अपशब्द मुंह से ना निकलें। तीज के व्रत में अपने या अपने से छोटों या बड़ों को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, ना ही दिल को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात बोलनी चाहिए। दूध ना पिए। अगर आप हरितालिका तीज का व्रत कर रही हैं, तो इस व्रत के दिन आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि इस दिन दूध पीने वाली महिला अगले जन्म में सर्प योनि में जन्म लेती है। पति के साथ भी रखें संयम। कई बार महिलाएं पति की किसी बात पर अपना संयम खो देती हैं, लेकिन व्रत के दिन विवाद करने से बचें और हर छोटी बात को अनदेखा करें, जिससे कि आपका व्रत पूरा हो सके। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसी हमारी कामना है। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको किसी विषय पर वीडियो बनवाना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर लिखें। इसके अलावा अगर ज्योतिष या कुंडली से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो चैनल पर दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं।